नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और गार्डनिंग में लगे होंगे। सोचते होंगे कौन सा अच्छा सर्दियों का प्लांट मिल जाए तो अपने टेरिस में सजा लूँ और अच्छे अच्छे फूल पाऊँ। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, ये जो फूलों से लदे हुए पौधे हैं आप हमारे टेरिस पे देख रहे हैं, छत पे मैं अभी आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो निकाल लें छोटा सा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए। तो ये देखिए, लाल रंग का बोगनविला और ये मिक्स पिंक और वाइट, इधर आपको ले चलते हैं, ये है हमारा ऑरेंज कलर का। दोस्तों, ये कलर चेंज करता है, गर्मियों में इसके फूलों का रंग बिल्कुल अलग हो जाता है, गुलाबी रंग का होता है और ये अभी देखो सर्दियाँ शुरू हैं तो ये ऑरेंज कलर का हो गया है। बहुत सुंदर, अभी पूरी तरह से खिला नहीं है लेकिन जब ज़्यादा फूल इसके खिल जाएंगे तो मैं वीडियो डालूंगी। देखिए अभी थोड़े थोड़े से खिल रहे हैं। तो दोस्तों, इनके बात करते हैं इनके रख रखाव की, तो इसका वीडियो मैं पिछले साल भी डाल चुकी हूँ, आपने देखा होगा, इसमें पत्तियां कम फूल ज़्यादा आते हैं। तो इसका पहली बात तो हर साल जो है इसकी रिपोर्टिंग करिए आप, अगर ज़्यादा बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, जैसे ये हमारा बहुत बड़ा प्लांट है तो इसकी हर साल आप रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग में उसकी सॉइल पावरफुल बनाइए, काउडंग और थोड़ी सी राखी और जो आपके पास अवेलेबल हो, चाय की पत्ती है या पत्तियों का चूरा है उसे आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी नीम खली भी डाल सकते हैं, बहुत कम मात्रा में, समझिए एक 25 ग्राम के हिसाब से एक छोटा सा टुकड़ा, जिससे अदरक का टुकड़ा हम चाय में डालते हैं उस तरह से आप हंगी जो है नीम खली डाल सकते हैं। तो देखिए, ये सब हम करते हैं हर साल और इस साल भी अभी रिपोर्टिंग की है 2 महीने पहले, तो इसके देखिए। और ये साल में कई बार फूल देता है, कम से कम 3 बार फूल देता है, ये देख सकते हैं आप, ये इधर रेड कलर का लगा हुआ है, ये हमारा प्यारा पनसेटिया, बहुत खूबसूरत है, ये रेड कलर का है और ये इधर मिक्स है, इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। और वाटरिंग तो अगर आप 2 दिन इसे पानी नहीं देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर फूलों से लदा पौधा है तो उसे पानी की रिक्वायरमेंट और धूप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तभी आप फूल पा सकेंगे। और इसका सॉइल मिक्स जैसा कि मैंने बताया है अभी, उस हिसाब से बताइए, हर साल जो है इसका जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है तो उसे जो है उससे बड़े गमले में शिफ्ट करते जाइए। और रिपोर्टिंग बिल्कुल ना भूलिए हर साल, अगर अच्छे फूल आपको पाने हैं तो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ना कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और क्यों ना जब इतनी मेहनत करेंगे आप लोग तो ज़रूर एक ना एक दिन आपको हमारे जैसा रिजल्ट मिलेगा। देखिए बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है, ये तो उसका फूल है चमेली का, राशि के हिसाब से लगाते हैं, इधर लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चमेली का पौधा है, कन्या राशि के हिसाब से बहुत शुभ होता है, अगर जिसकी कन्या राशि है तो वो लगा सकते हैं इस पौधे को, काफ़ी बाधाएं दूर होती हैं। ये हमारा नागचंपा अटैच तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो ये देखिए किस तरह से हमारे गार्डन में पूरे फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप भी लगाएं अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और कुछ सीख लेते हैं। अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी पौधों के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी ज़रूर, यही मेरी
कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी शेयर करूं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।